नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं डीबीएस टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। मुंबई शहर में मैं तीन तीन दिन भूखे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा रहने के बावजूद भी हम भूखे रहे हैं तीन दिन। 12 रुपया प्लेट खाना खाया हूं। क्यों खाया हूं? क्योंकि पैसा था मेरे पास, बट उतना सेंस पॉन्सिंग को नहीं था कि एटीएम में जाके और पैसा निकाल ले। ठीक ना, तो ये यही होता है, समय समय की बात है। सुसाइड करने से थोड़ी हल मिलेगा, ये बहुत घटिया चीज है। मेरे जीवन में जितना प्रेशर आया, मुझे जितना धक्का लगा, तो इन सब चीजों से आप लोगों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि जब पवन सिंह इतना ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। बेटा, कोई भी परेशानी आती है बाबू, उसको उसको संभालिए, उसको संवार दीजिए। एंड ये नहीं है कि हम अपने आप को खत्म कर लें, क्योंकि ये काम जो भी करता है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको मरने के बाद भी कोई अच्छा नहीं बोलता है। सही बात। ऐसा क्यों नाम कमाने का, ऐसा काम ही क्यों करने का? जो भी है उसको झेल लो जीवन में, कोशिश करो, क्योंकि देखो अच्छा करोगे तो परेशानियां बहुत आएंगी। तो उसको बस इस कान में लगाओ, इस कान से फेंक दो और अपने विकास पे ध्यान दो। ये लॉलीपॉप की कहानी क्या है, क्योंकि आपके जीवन में लॉलीपॉप है ना, उसका बहुत बड़ा रोल है। ये गाना ऐसा गाना है जो ना सिर्फ हमारे यहाँ हमारी धरती पे बजता है, बल्कि अब तो ये मतलब इंटरनेशनल ओकेजन पे भी ये गाने बजाए जाते हैं। यहाँ तक कि विराट कोहली, बड़े बड़े आर्टिस्ट मुझे लगता है कि आपके उस गाने पे थिरकते नजर आते हैं। मुझे तो लगता है कि हमारे यहाँ बारात में अगर लॉलीपॉप नहीं बजेगा तो बारात भी पूरी नहीं होती। मैं आज भी दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा होता हूँ शूटिंग के लिए, इवेंट के लिए, हिंदुस्तान चाहे अपन गाँव हो, अपन देश है, बट सिंगापुर हो, लंदन हो, और भी कितना कंट्री है, शूटिंग करिए। मान लीजिए अगर 500 पब्लिक जा रहा है भीड़ में, 100 पब्लिक जा रहा है, और उसमें से कोई निकल के आता है, पूछता है कि लॉलीपॉप सिंगर ना, तो ये बहुत 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 खुशी मिलती है। लॉलीपॉप की कहानी बता दूं, लॉलीपॉप जब गाना रिलीज हुआ था तो उस टाइम के लिए बहुत हैवी म्यूजिक था। मैं हाँ, वो जितना क्या बोलते हैं आजकल डिजिटल दुनिया, हैवी म्यूजिक ही बोली। मैं विनय विनायक के पास बैठा, जो लॉलीपॉप गाने के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, भैया कुछ नया करते हैं, एक एक जैसा गाना गा के ना मन थोड़ा सा ये लग रहा है, कुछ नया करो यार। हम दोनों मिलके इस सॉन्ग को रेडी किए, और मेरा एक इवेंट था गोरखपुर में, तो हम अपने म्यूजिशियन को अपने कमाई से पहला बोलेरो लिया था गाड़ी। पूछा, भाई कैसा गाना है? देखो एक नया सर्च किया हूँ, नया खोज किया हूँ। तो 6-7 साल पहले हमारे पास आए थे सब मुंबई इवेंट में, तो वही सब कहानी बताने लगे कि भाई जब आपने पूछा ना कि कैसा लग रहा है, तो हम लोग मन में यही सोचे कि बहुत घटिया लग रहा है, नहीं चलेगा गाना, भोजपुरी में भोजपुरी चलेगा, अंग्रेजी नहीं चलेगा। वो लोग दूसरे लैंग्वेज में बोले जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता। ठीक ना, लेकिन लॉलीपॉप जब कैसेट आया था तो शुरू शुरू में फलाफी था, बट होता है ना किस्मत, किसी के जीवन में भगवान कब क्या दे देंगे। जो गाना हिट हुआ, आज वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप बैठेंगी या कोई बैठेगा तो भोजपुरी लैंग्वेज की अगर बात आती है तो किसी भी लैंग्वेज का इंसान, लड़का हो या लड़की, लॉलीपॉप का नाम आता है। बिल्कुल, मैं चाहूंगी वो गाना गुनगुनाने। बिल्कुल, आज भी मंच पे हम कहीं जाते हैं, कितना भी गाना गा दूं, कितना हजार में गाना गा दिया मुझे पता नहीं है, कितना गाऊंगा अपने ऑडियंस के आशीर्वाद से ये भी मुझे पता नहीं है, बट एंड लॉलीपॉप से ही होता है। भैया लॉलीपॉप, अरे रुक भाई, ओके। तू लगावे लू जब लिपस्टिक, आ ही ले ला यारा डिस्टिक,
तू लगावे जब लिपस्टिक आही ले लो सारा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलु हो जिला टॉप लागेलु कमरिया 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 करे लपलप लॉलीपॉप लागेलु कमरिया करे लपलप लॉलीपॉप लागेलु। क्या बात है पवन जी, सिंगिंग की ये बात रही, आपने जिस तरीके से अपने अपना स्ट्रगल किया वो बात है, लेकिन कैसे एक सिंगर एक्टर बन जाता है? क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक नए ट्रेंड थे अपने भोजपुरी में, हमने हिंदी में भी अब बॉलीवुड में ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि जो एक्टर है वो सिंगर है, बट हमने वो पहले स्टार्ट किया कि जो सिंगर है वो एक्टर बने हैं। पवन सिंह ने वो मिसाल दिखाई है हमें, तो ये कैसे हो गया, एक्टिंग में कैसे आ गया? देखिए, हम लोग सिंगिंग में संघर्ष किए हैं, एक्टिंग में हम लोग संघर्ष नहीं किए हैं। मैं जब एक कंपनी में लगातार गा रहा था तो मैंने बोला कि सर मेरा रेट बढ़ाया जाए, जवाब मिला कि सर किसी का आजकल गाना चल नहीं रहा है। मैंने बोला सर मुझे किसी में क्यों मिला रहे हैं, मेरा चल रहा है ना, मुझे दो ना भाई। मन थोड़ा दुखी हुआ। उसी टाइम हम एक कंपनी से जुड़े जिस कंपनी का नाम है वेव, जो भोजपुरी का सबसे बड़ा चैनल है। उस भाई से हम जुड़े, एक कैसेट किए, फिर सावन का महीना आया, मैंने बोला मुझे करना है, तो कंपनी के स्टाफ ने बोला कि सुनिए ना, सीजनली कैसेट नहीं करते हैं फलाने जी। मैंने बोला जिस कंपनी को हम छोड़ के आए हैं इसी के लिए छोड़े हैं कि हमारा हर चीज़ यहाँ से होगा, हमारे हिसाब से होगा। बहुत ऊपर नीचे करने के बाद ठीक है पवन सिंह का इच्छा है तो करा लो। जो उस कंपनी से मैं जुड़ा और जो मेरा और उस कंपनी का लक साथ दिया, हिट पे हिट, हिट पे हिट, हिट पे हिट, हिट पे हिट, तो देखा कि भोजपुरी का माहौल आ रहा है, जैसे मनोज भैया का फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला, तो होता है ना भाई कि हम भी हीरो बने, जब एक भाई बन गया तो दूसरा का भी बन जाए। तो मैंने अपने कंपनी के मालिक से बोला, इतने कॉन्फिडेंस में बोला कि जब तू हमसे इतना कमा था तो चलो फिल्म बनावा एक ठो। मैंने बोला भैया मुझे भी एक्टिंग करना है, फिल्म बनाइए। बोला ठीक है चलिए बनाते हैं। उसी वे में कंपनी का ऑनर गए मुंबई, ऑफिस लिए, मीटिंग सेटिंग हुआ, रंगली चुनरिया तुहरे नाम फिल्म का अनाउंस हुआ, पिक्चर बन भी गई, रिलीज भी हो गई, सुपर हिट भी हो गई। यही मेरा कर लिया आपने? हाँ, मतलब जो शख्सियत कभी एक्टिंग नहीं किया हो, सिंगिंग का तो महारत हासिल है आपको, लेकिन एक्टिंग उस वक्त आप जानते नहीं थे, ABCD भी नहीं पता था। हमारे घरवा में एक तो फोटो लगल बोए फिल्मों आके, गाँव में जब हम जाइल ना अपने गाँव के शहर आरा में, तो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा सूट रखते हैं, फोटो शूट रखा गया था, तो हम नर्वस हो गए थे, एक फोटो जैकेट लेके ऐसे बोले सब हंसने के लिए, मैं हंस नहीं रहा था, मैं हंस भी रहा हूँ तो लग रहा है रो रहा हूँ, ठीक है ना। और देखिए समय समय की बात होती है, उस टाइम हमारे प्रोड्यूसर जो है वो हीरोइन को बैठाए कि आप हीरोइन के साथ चाय पियो, थोड़ा खुलो पवन, खुलो थोड़ा। वो समय था कि लड़की के साथ सीन करने में मैं ऐसे ऐसे होता था, लेकिन समय 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 की बात, पवन सिंह इतना वज्र हो गया कि अब थोड़ी ऐसे ऐसे होता है, इधर आओ बाबू बैठो, चलो क्या करना है, आओ। सब अच्छा है, समय ने सब बता दिया। अच्छा, एक्टिंग में आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं खेसारी लाल यादव, और आप दोनों बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, मतलब भोजपुरी में दोनों आप बहुत बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाते हैं,
खेसारी जी की फिल्में भी हिट होती हैं, वो भी जो गाते हैं बहुत पसंद किया जाता है। पवन जी की भी फिल्में हिट होती हैं, पवन जी को भी बहुत पसंद किया जाता है। दोनों का मिश्रण हमें कब देखने को मिलेगा? हालांकि ये पहले हो चुका है, लेकिन बीच में जो खटास थी वो अब धीरे धीरे खत्म हुई, कड़वाहट धीरे धीरे खत्म हुई, अब कब देखने को मिल रहा है? कुछ खटास नहीं है, एक परिवार में अगर 5 भाई हैं तो कभी लाठो लाठी हो जाला, कभी गाली गलौज हो जाला, कभी बाताबाती हो जाला। तो ऐसा थोड़ी है कि परिवार से भाइयों से रिश्ता खत्म हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। खेसारी लाल यादव मेरा छोटा भाई है, हाँ तनी बोले ला ज़्यादा, बट एक बात जरूर है, जो इंसान ज़्यादा बोलता है वो दिल का बुरा नहीं होता है। बिल्कुल, वो तो आप भी पहले बोलते थे, अब आपने कम करना शुरू कर दिया है। ठीक ना, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। नहीं, आप दोनों साथ कब आ रहे हैं? कोई नया प्रोजेक्ट? कैमरे पे आके कब का बोल दियो कर कोनो गारंटी नहीं के। ठीक ना, सामने से आई भैया, अब भैया के बाद बचा क्या? अगर सामने से कोई आके आपको भैया बोल दिया तो फिर भैया यही ना बोलेगा कि हाँ मेरा सीना यहाँ पे है, इधर आओ। ऊंच नीच हर जगह होता है, हर परिवार में, जिन्हें बोला ना कि घर घर देखा एक लेखा, कभी कुछ नहीं था। हम सब भाई हैं, एक परिवार है, फैमिली है। और जो आपने बोला कि दोनों भाई आप लोग कब साथ में पर्दे पे दिखेंगे, ये भी खुशखबरी बहुत जल्दी हमारे ऑडियंस के बीच में आएगी। पवन जी, अब क्योंकि आपने माई का आशीर्वाद भी ले लिया है और चुनावी मैदान में हैं आप, और अब तो सबके सामने है कि बहुत जल्द पवन जी आपको चुनावी मैदान में नजर आए, तो इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं होगी, लेकिन मुद्दा क्या होगा पवन जी के लिए? मुद्दा मीन्स, समझा नहीं। जैसे हम, आप क्या विकास करना चाहते हैं? कोई तो परेशानी हुई होगी, आप जब बार बार, आप क्योंकि बिहार से हैं तो बिहार में जाते हैं, तो कोई परेशानी देख के ऐसा लगता नहीं अगर मैं सरकार में आऊंगा, मेरे पास पावर आएगा तो ये चीजें तो मैं करूंगा? पवन जी क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए कोई भी चाहता है कि हम जहां से हैं वहां का विकास हो, और बहुत ज्यादा हमको जानकारी नहीं है। अब जिसे सिंगिंग में पूछना है तो आप मेरे से पूछिए, एक्टिंग में पूछना है तो मेरे से पूछिए। विकास तो होगा ही होगा, ये तो तय है। ऑडियंस जो मुझे प्यार दिया है उससे उतना जरूर कर लिया हूं। देखिए मेरे जीवन का दो ही लक्ष्य है, मेरे जीवन का दो ही लक्ष्य है कि हे प्रभु मुझे उतना ही धन दीजिए कि मैं, देखा हम गाड़ी के शौकीन हैं, जिस गाड़ी पे नजर जाए वो गाड़ी हमको चाहिए, अतिथि आए तो उनका सेवा कर पाऊं, और किसी भी समाज में निकलूं, किसी भी तरफ रुख मोड़ूं गाड़ी का, तो अपने बेटियों का और बहन की शादी करवाते चले। ठीक है, ये मेरे जीवन का सपना है, और मुझे वो बनना है। हाथ में अगर हमारे प्रभु, हमारे ऑडियंस जब पावर देंगे तो मुझे इतना जरूर बनना है कि जब रास्ता से गाड़ी गुजरे ना तो हर माँ बाप के मुंह से एक ही आशीर्वाद निकले कि भगवान बेटा दे तो पवन के जैसा।